अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइफ। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करूंगी कि रोल जो क्या है फार्मेसी का या फार्मासिस्ट का, या फिर स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है। आज बेसिकली हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्मेसी या स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में मैं आपसे पहले भी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम कोई स्कोप नहीं है फार्मेसी का, या सॉरी फार्मासिस्ट का। थोड़ा बहुत अभी अभी डेवलप हो रहा है, ऐसा ऐसा और भी डेवलप हो जाएगा। जब मैंने फार्मेसी पास आउट की थी तो तब डेवलपिंग की तरफ जा रहा था यह प्रोफेशन, लेकिन मुझसे पहले जो था वो बिल्कुल भी किसी को भी कुछ भी पता नहीं था कि फार्मेसी होती क्या है, फार्मासिस्ट क्या होता है। तो बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगी कि स्कोप क्या है फार्मेसी का या स्कोप क्या है फार्मासिस्ट का। पाकिस्तान में फार्मासिस्ट का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है, हमारी फार्मेसीज में फार्मासिस्ट नहीं बैठे हुए। यहाँ तक के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग सेटअप, यानी कि छोटे से छोटे सेटअप से लेकर बड़े से बड़े सेटअप तक जो है वो हमारे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। कहीं जो है वो फार्मासिस्ट मौजूद है और कहीं जो है वो फार्मासिस्ट नहीं है। फार्मासिस्ट जो है वो बगैर फार्मासिस्ट के चल रही है, हेल्थ केयर सिस्टम बगैर फार्मासिस्ट के चल रहा है। और ऐसा जो है क्या हो रहा है, इसका नतीजा ये हो रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बुरे तरीके से खराब हो रहा है। फार्मासिस्ट नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम खराब हो रहा है, क्योंकि डोज, मेडिसन और ड्रग्स, इस सब के बारे में इस सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फार्मासिस्ट को होती है। अब फार्मासिस्ट ही नहीं है तो डेफिनेटली कितनी डोज जा रही है, कैसी डोज जा रही है, पेशेंट को किस रूट से जानी है, एग्जैक्ट उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसने किस तरीके से एक्ट करना है, ये तो कोई आम ले पर्सन नहीं जानता ना। इवन कि एक फिजिशियन जो है वो भी ये बात नहीं जानता कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का क्या होता है, या फिर पेशेंट के ऊपर उसने कितना इफेक्ट करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फार्मासिस्ट जानता है। तो हम बात करते हैं स्कोप की, फार्मेसी का स्कोप क्या है। फार्मेसी जो है वो एक रॉयल प्रोफेशन है, अपना बादशाह ये खुद है। अगर तो आप फार्मेसी करते हैं और फार्मेसी करने के बाद आप जो है अपना सेटअप चलाते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो दिनों के में अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि फार्मेसी इज अ रॉयल प्रोफेशन, कि ये अपना बादशाह खुद है, आप जैसे चाहें इसको, इससे अर्न करें, इससे आप इसको कैश करवाएं। फार्मेसी कैश करने के लिए है कि आप इसको कैश करवाएं, लेकिन हमारे फार्मासिस्ट जो हैं बदकिस्मती से अपने सेटअप की तरफ कम जाते हैं और हम लोग इंडस्ट्रीज में जाते हैं, जाना शुरू हो जाते हैं। फार्मासिस्ट जो है इंडस्ट्री में जाते हैं, मार्केटिंग सेटअप की तरफ चले जाते हैं, कम्युनिटी की तरफ कम जाते हैं। अगर एक फार्मासिस्ट जो है वो अपना सेटअप चला लेता है, अपनी एक फार्मेसी बनाता है, फार्मेसी करने के बाद 5 ईयर का ड्यूरेशन है ये, 5 साल के बाद वो बाहर निकलता है और उसको लगता है कि कोई स्कोप ही नहीं है, उसको लोग बहुत डराएंगे बहुत ज़्यादा कि कोई स्कोप नहीं है, ये है वो है, लेकिन वो बाहर निकले, छोटी छोटी कम से कम इन्वेस्ट भी आप कर लें, आप 10 लाख से शुरू कर लें, लेकिन अपना सेटअप बनाए, अपना सेटअप जब आप बना लेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है विद इन डेज, फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप विद इन डेज जो है वो इससे लाखों अर्न कर सकते हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता और मजीद डेवलप हो सकते हैं। जी, तो वीडियो थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया, सॉरी इसके लिए। हम मैं फिर से वहीं से शुरू कर रही हूँ कि फार्मेसी में हम लोग अपना सेटअप अगर चलाते हैं तो हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो फार्मेसी में आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि सरकारी अस्पताल में भी अगर चले जाएं ना, वो तब भी सरकारी अस्पताल में जो और ऊपर के खर्चे होते हैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। या कुछ ऐसे पेशेंट नॉन कम्प्लायंस होते हैं, यानी कि वो अस्पताल जाना ज़रूरी ही नहीं समझते, उन्हें लगता है कि हॉस्पिटल चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या पेशेंट को ना एक फोबिया होता है, फोबिया किस किस्म का होता है पेशेंट को, कि जो स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर कभी आप लोगों ने विजिट किया हो तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं जहाँ पे वो बन रही होती है, पर्ची बन रही होती है, जिसको एक लेमैन जबान में कहते हैं और हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कि उसमें यहाँ पे पेशेंट का जो नाम, एज और सारा कुछ पेशेंट को बताया जो होता है, पेशेंट बता रहा होता है, ये सब जहाँ बन रहा होता है वहाँ लंबी लाइंस लगी होती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो पेशेंट जो होता है ना वो उन लंबी लाइंस में लगने से ना घबराता है, वो क्या करता है, वो डायरेक्ट फार्मेसी पर चला जाता है।
फार्मेसी पे जाके अपना मसला बताता है, अपनी मेडिसिन लेता है और वापस चला जाता है, और यकीन करें वो ठीक भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फार्मेसी पे एक फार्मासिस्ट मौजूद होता है। तभी ठीक होता है अगर फार्मेसी पे क्वालिफाइड पर्सन यानी कि फार्मासिस्ट मौजूद हो। तो सोचें आप कि अगर आप फार्मेसी बना रहे हैं और आप उस पर खुद बैठे हुए हैं, आप खुद बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, तो आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। नंबर एक, आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हैं फार्मासिस्ट जो है वो सेपरेटली अपनी क्लिनिक नहीं बना सकता। ये एक रूल है कि फार्मासिस्ट अपनी क्लिनिक नहीं बना सकता, लेकिन फार्मासिस्ट फार्मेसी के अंदर जो है वो पेशेंट को गाइड कर सकता है। फार्मेसी में अगर वो बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, वो पेशेंट को गाइड कर रहा है, तो कोई भी जो है वो उसे चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी फार्मेसी रन कर रहा है, वो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो जो है सोसाइटी उसको सर्व कर रहा है। तो आप अपना सेटअप बनाएं, अपना सेटअप बना के आप उसको रन करें, आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे, आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, और तो और आपकी जो फार्मेसी है उसका नाम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद है, वहाँ पे हर चीज़ मेंटेन है, फार्मासिस्ट मौजूद है ना, तो एक्सपायरी होगी, शेल्फ लाइफ जितनी भी होती है, इसके अलावा उसकी जो मेंटेनेंस है फार्मेसी की कि कितना टेम्परेचर करना है, और कोल्ड चेन आइटम्स जो होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे मेंटेन होते हैं। और एक और बात कि जब एक फार्मेसी होती है ना, तो पेशेंट जो है वो ज़्यादा फार्मेसी को प्रेफर करता है। क्यों? वो फार्मेसी को इसलिए प्रेफर करता है कि फार्मेसी हर कंडीशंस को फुलफिल कर रही होती है। एक अगर आप ले मैन भी देखेंगे ना, एक जाहिल आदमी, तो वो भी जो है ना वो फार्मेसी में जाएगा। अगर मेडिकल स्टोर है ना एक साइड पे और एक साइड पे फार्मेसी है, तो वो फार्मेसी में जाएगा। क्यों फार्मेसी में जाएगा? क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि मैंने जो यहाँ से चीज़ लेनी है ना वो ओरिजिनल होनी है, वो और कोई चीज़ नहीं उसको पता कि जनाब यहाँ पे शेल्फ लाइफ मेंटेन हो रही है, यहाँ पे एक्सपायरी मेंटेन हो रही है, नहीं, उसको ये बात जरूर पता है कि मैंने जो चीज़ यहाँ से लेनी है ना ये ओरिजिनल होनी है, और वो इस बेस पे आएगा। तो सबसे पहला स्कोप क्या है फार्मेसी का? कि आप अपना सेटअप रन करें, बिकॉज दिस इज अ रॉयल प्रोफेशन। नंबर एक, एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप काम करें। जब आप अपना सेटअप रन करते हैं तो आप एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं। नंबर एक ये हो गया। मैं आगे ली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है उसका रोल क्या होता है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी के स्कोप पे बात कर रहे हैं। नंबर दो, और क्या स्कोप हो सकता है पाकिस्तान में फार्मेसी का? इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं। अब इंडस्ट्री का क्या सीन है? इंडस्ट्री का ये सीन है कि इंडस्ट्री में जो ड्यूटीज़ होती है ना वो बहुत हैक्टिक होती हैं। इंडस्ट्रीज ज़्यादातर जो होती हैं वो आउट ऑफ सिटी होती हैं ड्यू टू पोल्यूशन, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री चल रही होती है तो वेस्ट मटेरियल और ये सब भी तो साथ साथ चल रहा है ना, इसी वजह से इंडस्ट्री जो होती है वो आउट ऑफ सिटी होती है, जहाँ पे आबादी नहीं होती, रहायशी इलाका कम होता है, वहाँ पे इंडस्ट्री होती है। तो जिन लोगों ने इंडस्ट्री में, जो फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, एक तो पहले उनकी टाइमिंग जो होती है वो 12 घंटे, मतलब 12 घंटे लग ही जाते हैं, 9 घंटे की टाइमिंग होती है, आप सुबह 6 बजे निकलते हैं, इंडस्ट्री जो है वो आउट ऑफ सिटी होती है, जाते जाते आपको 8 बज जाते हैं, ड्यूटी शुरू होती है 5 बजे ऑफ होता है, उसके बाद आते आते आपको फिर से 8-9 बज जाते हैं। बेसिकली पीछे आपकी लाइफ क्या रहेगी? कोई लाइफ नहीं रहेगी आपकी। 12 घंटे जो हैं वो आप बाहर हैं, और आप जब आते हैं तो सिर्फ कुछ घंटे जो कि आपने रेस्ट भी करना है, आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, और आपने नेक्स्ट डे फिर से एक ड्यूटी के लिए तैयार होना है। तो ये इंडस्ट्री की जॉब जो होती है वो थोड़ी टफ होती है, लेकिन इंडस्ट्री में सबसे पहले जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो बहुत कम होता है। इंडस्ट्री आपको बहुत कम पैकेज देती है, स्पेशली फार्मासिस्ट को। अब भी आजकल जो चल रहा है वो 20 चल रहा है या 25 चल रहा है, इससे ज़्यादा इंडस्ट्री पे नहीं कर रही। अब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं 5 साल 6 साल या 10 साल, उसके बाद इंडस्ट्री आपको बेनिफिट देती है, और फिर बहुत अच्छा वो बेनिफिट होता है, फिर आपकी पे लाखों में होती है। तो इंडस्ट्री का क्या सीन है कि फीमेल्स जो है ना स्पेशली, वो इंडस्ट्री की जॉब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि फीमेल्स के बहुत अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपना घर देखना होता है, मैरिड वुमेन जो होती है उन्होंने अपना घर देखना होता है। अगर वो 12 घंटे जो है वो बाहर गुजार कर आती हैं, तो वो घर अपना कैसे देखेंगी? घर तो वो नहीं देख पाएंगी ना, घर जो है अपना उनका वो पीछे से इग्नोर हो रहा होता है, उन्होंने अपनी फैमिली देखनी होती है, ठीक है। और स्पेशली जो मैरिड वुमेन है उनको ससुराल की तरफ से भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि 12 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद घर मैनेज नहीं हो रहा। इसलिए फीमेल्स के लिए इंडस्ट्री जो होती है वो रीजनेबल नहीं होती।
मेल के लिए होती है, मेल जो होते हैं उन्हें सुबह जाना है शाम को वापस आ जाना है, पर फिर भी टफ टाइम यही है कि फैमिली इग्नोर हो जाती है मेल्स के लिए भी। स्कोप इंडस्ट्री में मेल का है, फीमेल का इतना नहीं है। ज्यादातर फीमेल जो है वो इंडस्ट्री की जॉब ज्वाइन करती हैं लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद छोड़ देती हैं, जिससे इन फायदा कुछ भी नहीं होता, ना आपके हाथ कुछ आता है ना इंडस्ट्री के हाथ कुछ आता है। ये था इंडस्ट्री का, कि इंडस्ट्री का फिर वही बात कि इंडस्ट्री का पे पैकेज बहुत कम होता है, ये इंडस्ट्री की बात थी। बात की अभी तक हमने स्कोप की, कम्युनिटी की बात की और इंडस्ट्री की बात की। अब तीसरे नंबर पे आता है मार्केटिंग। अब यहाँ पे जो एक बात डिफरेंस है कि बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट को मेडिकल रैप समझ लेते हैं। भई अल्लाह के बंदो, मेडिकल रैप जो होता है ना वो एफ ए या बी ए होता है या ये भी नहीं होता, ठीक है। फार्मासिस्ट के पास 5 साल डिग्री होल्डर होता है, वो उसके पास 5 साल डिग्री होती है, कुछ खुदा का खौफ करो मिलाते हुए, लेकिन नहीं उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। खैर छोड़ें, फार्मासिस्ट जो है वो मार्केटिंग की तरफ भी जा सकता है। कैसे? वो अपना सेटअप बनाए डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का। अगर अपना सेटअप नहीं उसने बनाना तो वो कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के साथ जो है वो ज्वाइन करे, कोई भी प्रोडक्ट ले और उसकी मार्केटिंग वो इटसेल्फ खुद करे एज अ फार्मासिस्ट, नॉट अ मेडिकल रैप, ठीक है। जब वो एज अ फार्मासिस्ट उसकी मार्केटिंग खुद करेगा तो डेफिनेटली वो जो ड्रग है, वो जो प्रोडक्ट है, उसका ज़्यादा कम्युनिटी को पता चलेगा और सबसे ज़्यादा सेल भी होगी, जैसे मेडिकल रैप्स करते हैं। लेकिन मेडिकल रैप और फार्मासिस्ट में फिर वही फ़र्क कि फार्मासिस्ट ने जो बात बतानी है वो मेडिकल रैप ने नहीं बतानी। फार्मासिस्ट के पास पूरा नॉलेज है, मेडिकल रैप के पास सिर्फ वही नॉलेज है जो फार्मासिस्ट ने उसको दिया है। क्योंकि मेडिकल रैप जब भी मार्केट में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वो ट्रेन हमेशा एक फार्मासिस्ट से हुए होते हैं। जो भी उनको चीज़ें बताई जाती हैं वो फार्मासिस्ट बताता है, फार्मासिस्ट ट्रेन करता है उन्हें, और कोई चीज़ उन्हें ट्रेन नहीं करती। मार्केटिंग में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा है, अगर मार्केटिंग करने वाला जो फार्मासिस्ट है उसमें टैलेंट हो, ठीक है, उसमें स्ट्रेटजीज हो। मार्केटिंग के लिए फिर आपको MBA करना चाहिए, कि आप MBA करें और फिर आप अपना सेटअप रन करें, आप खुद उसकी मार्केटिंग शुरू करें। तो ये थे स्कोप, कम्युनिटी था, इंडस्ट्री था, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप था। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप जो है इसमें जो है ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिटी, यानी कि रिटेल फार्मेसी। रिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अपना सेटअप यानी कि अपनी फार्मेसी, उसको रिटेल कहते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट कम्युनिटी या कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम कर रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग जो होती है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए होता है कि बल्क क्वांटिटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है स्टोरेज होती है, ड्रग्स आती हैं, ठीक है। और जब वो बल्क में आती हैं तो डेफिनेटली वो जाती जो है डिफरेंट फार्मेसीज पे जाती हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट के साथ जा रही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग को होता है, फिर उसके बाद रिटेल को होता है, रिटेल फार्मेसी को होता है। तो बेटर है कि सब अपना बिजनेस जो है वो रन करें, अपनी फार्मेसी बनाएं, अपनी लाइसेंस जो है, अपनी कैटेगरीज जो है उनको अपने लिए यूज़ करें, उनको किसी और के बिजनेस मत करने दें। उस पर आप देखें कि आप अपना अगर दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को अपने लिए ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आप जो अपनी चीज़ पे बिजनेस कर सकते हैं, अपनी चीज़ पे कमा सकते हैं, आप वो प्रॉफिट किसी और को दे रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कम से कम इन्वेस्ट करें और अपनी चीज़ जो है उसको अपने लिए यूज़ करें, उसको किसी और को फ़ायदा मत देने दें। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ को मिसगाइड मत कर होने दें। आप जो है अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, ये बात आप याद रखें, आप बेस्ट हैं, और अपने आप को आप कैश करवाएं, क्योंकि हर इंसान अपनी फील्ड में बेस्ट होता है, ठीक है। बाकी किसी को नहीं पता होता कि आपकी फील्ड के बारे में, आपको सिर्फ पता है, आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कोई अब देखें फार्मासिस्ट है ना, उसको डॉक्टर्स की फील्ड के बारे में इतना नहीं पता होगा, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स जो हैं उनकी फील्ड के बारे में हमें इतना नहीं पता। तो हर बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, समझ आ रही है आपको? हर बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। आप लोग अपने आप को कैश करवाएं, खुदा करा आप जो आप लोग ये लाइसेंस देते हैं, आप लोग अपने लिए इसको यूज़ करें, अपना इस पर बिजनेस कम से कम इन्वेस्ट करें, 10 लाख कर लें, 5 लाख पे इन्वेस्ट कर लें, लेकिन अपना करें और एक रॉयल जो है प्रोफेशन है उसको एक रॉयल तरीके से चलाएं, एक रॉयल वे से प्रोसेस करें, ताकि कम्युनिटी में जो है वो सुधार आ सके, कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को समझ सके, और आप जो है फार्मासिस्ट जो है उसका रोल भी बेटर हो सके। फार्मासिस्ट जो है उसका स्कोप इसलिए नहीं बनता, इसी वजह से तो नहीं बनता, शेड्यूल जी इंप्लीमेंट हो जाता है,
शेड्यूल जी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी फार्मासिस्ट जो है वो लाजमी फार्मेसी में मौजूद होना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग सेटअप पे होना चाहिए। शेड्यूल जी इम्प्लीमेंट हुआ, क्या हुआ, मेडिकल स्टोर वालों ने हड़ताल करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको अपने डाले पड़ गए थे कि फार्मासिस्ट अगर आ गया तो उसका होल्ड हो जाएगा, मेडिकल स्टोर केमिस्ट का होल्ड खत्म हो जाएगा, उनको अपने लाले पड़ना शुरू हो गए थे। तो आप लोग जो हैं वो होल्ड करें इस चीज़ को, फार्मासिस्ट इस चीज़ को होल्ड करे। जब फार्मासिस्ट अपना होल्ड संभालेगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें अपने हाथ में आना शुरू हो जाएंगी, और जब चीज़ें अपने हाथ में आना शुरू हो जाएंगी तो देखिएगा कि पाकिस्तान में भी स्कोप जो है वो फार्मेसी का कितना ज़्यादा होगा। तो आप प्लीज़ जो है अपना सेटअप करें, अगर अपना सेटअप नहीं करना तो अपनी चीज़ को अपने लिए यूज़ करें ताकि कम्यूनिटी जो है उसमें बेहतरी आ सके, कोई भी जो है वो आपका यूज़ ना कर सके। अभी आज का ब्लॉग जो था वो मेरा यहीं तक का था। नेक्स्ट जो है हम एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, एक नई बात के साथ मिलेंगे। हो सकता है कि मैं आपको कम्युनिटी के बारे में कुछ बताऊं, या मैं आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में गाइड करूं। लेकिन कम्युनिटी के बारे में अगर मैं गाइड करूंगी या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में मैं गाइड करूंगी तो मैं डिटेल में आपको सारी के सारी बातें डिस्कस करूंगी कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या रोल है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट ने क्या करना होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने क्या करना होता है। तब तक के लिए आप फार्मासिस्ट लाइफ में अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।